दरोगा जी, आओ। राम राम मुनीम जी। बात क्या है साहब? राम प्रसाद, तुम्हारी ये जमीन ठाकुर साहब के नाम हो चुकी है। क्या? हाँ, और इसीलिए कानून को साथ लेकर आया हूँ। हमने अपनी जमीन गिरवी रखी थी, बेची नहीं थी, समझा? यूं चीखने चिल्लाने से ठाकुर साहब के नाम हुई जमीन तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। हमारी जमीन और कुत्ते ठाकुर के नाम? तू बकता है तू? अबे ओए, ये बक सकते हैं मगर कानून के कागजात नहीं, जिन पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं, दस्तखत है, और आज से तुम इन जमीनों के मालिक नहीं हो। चलो। ये बेईमानी है, धोखा है, सरासर धोखा है। मैं अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी वो कुत्ते ठाकुर को नहीं दूंगा। ये धोखा दरोगा साहब, ये धोखा। तू से मिला हुआ, तू ठाकुर से मिलके मेरी जमीन मिला हुआ, तू ठाकुर से मिला हुआ, तेरी जमीन से मिली भगत है साले दरोगा, तू ठाकुर से मिला हुआ है बापू, ठाकुर का कुत्ता है तू, और आप चले। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारी शाबाशी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अपनी हैसियत और औकात से ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो? इस मुनीम ने हमारी जमीन का टुकड़ा आपके नाम करवा दिया। ठाकुर साहब, हमने तो थोड़ा सा कर्जा लिया था, जमीन नहीं बेची थी। हमको हमारी जमीन का टुकड़ा वापस दे दो ठाकुर, वापस दे दो, नहीं तो हम लोग रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे हम। भाई साहब, इन्हें जमीन का टुकड़ा वापस कर दीजिए। शमशेर, भाई साहब, जमीन का टुकड़ा इन्हें वापस कर देते हैं और ये चांद का टुकड़ा हम अपने पास रख लेंगे। छोटे ठाकुर, अरे भाई, इतनी बड़ी कीमत तो हमने किसी तवायफ को भी नहीं दी है। ठाकुर, एक ही रात की तो बात है। शमशेर सिंह, मेरी बीवी में गलती नहीं हो सकता है। आज मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं, आप जाने दीजिए, छोड़ दो। योर ऑनर, आज का मुकदमा सुनकर तो कानून की दीवारों में भी दरारें पड़ जाएंगी। इतना हैरत अंगेज मुकदमा, ऐसा खून जो शायद कानून के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा। आप इसकी मासूमियत नहीं, इसका जुर्म देखिए, इसकी ऊंचाई नहीं, इसके हाथों होने वाले जुर्म की ऊंचाई देखिए। और क्या इत्तेफाक है, अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए चश्मदीद गवाह है उसकी अपनी माँ, और दुनिया की कोई मां अपनी औलाद को सजा नहीं दिलवाना चाहेगी। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो मां की चीखों पुकार नहीं बल्कि कानून की आवाज को सुनकर इंसाफ करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। सबसे बड़ा सच तो यह है जज साहब कि ठाकुर का खून मेरे बेटे विष्णु ने ही किया है। जज साहब, इसने ठाकुर के पेट में छुरा खोप खोप कर उसे मार डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है जज साहब, ये खूनी है, यही खूनी है। इसे माफ मत कीजिएगा, इसे कभी माफ मत कीजिएगा। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जज साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मेरी प्रार्थना है, इसे कभी माफ मत कीजिएगा जज साहब, इसे माफ मत। माँ, 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 मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। माँ, माँ, माँ।
अच्छे साहब, मेरे सीने में छुपता हुआ एक सवाल मुझे यहाँ खींच लाया। कहिए। माँ तो अपनी औलाद को खून का आखिरी कतरा तक देकर बचा लेती है, लेकिन तुम कैसी माँ हो जिसने अपनी गवाही से अपनी औलाद की जिंदगी के कई साल जेल की दीवारों में जला दिए? नहीं जैसा, मैंने उसकी जिंदगी के दिन जलाए नहीं, बल्कि अपने बेटे को नई जिंदगी दी है। अगर आपका कानून उसे छोड़ देता तो वो जालिम मेरे बच्चे को मार डालते। इस अभागिन ने तो उसे सजा दिलाकर बचाया है जज साहब। जब मेरा बेटा 14 साल के बाद जेल से बाहर निकलेगा तो वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा जज साहब। फिर मेरे बेटे को कोई खत्म नहीं कर सकेगा। डॉक्टर, डॉक्टर, विष्णु के 6 घंटे की रिहाई के ऑर्डर से भाई साहब, उसकी माँ का देहांत हो गया है। चिता को अग्नि तो बड़ा बेटा ही देता है ना। आई एम सॉरी खान साहब, वो तो यहाँ से भाग गया है। डॉक्टर, मेरी माँ लक्ष्मी देवी किधर है? बेटे, उनका तो देहांत हो गया। सॉरी, मेरी माँ मर गई। मेरे परिवार की तबाही की वजह तू है। बोल बोल, शमशेर सिंह कहाँ है? वरना नहीं, नहीं, मुझे मत मारना विष्णु बेटा, मुझे मत मारना। मैं बताता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया इस पापी पेट के लिए किया है। शमशेर सिंह ये गांव छोड़कर शहर चला गया है और उसने जाते जाते तेरे मासूम भाई देवक को भी मार डाला। शमशेर, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ बोलकर मैंने अपनी गर्दन पर लगी कुल्हाड़ी हटाकर शमशेर सिंह की गर्दन की तरफ मोड़ दी है। अब वो जिंदगी भर शमशेर सिंह को तलाश करता रहेगा। मैं तो बच गया, मारा जाएगा शमशेर सिंह। मेरे परिवार को तबाह करने वाले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद होगा, शमशेर। चोर, 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 चोर। आपने यहाँ से किसी बच्चे को भागते हुए देखा है? अगर कहीं नजर आ जाए तो पास वाले थाने में खबर कर दीजिएगा। यकीनन, ये तो इंसानी फर्ज है भाई। अच्छा बाबा। अच्छा। क्या तुम ही वो बच्चे हो जिसे पुलिस तलाश कर रही थी? हाँ, मैं वही हूँ। मुझसे मेरा बापू छिन गया, मेरी माँ मुझसे छिन गई। मेरे बापू को तो गांव के ठाकुर ने मार डाला और मेरी माँ का भगवान ने। जिसका कोई नहीं होता उसके साथ वो होता है जिसके साथ सारा संसार जुड़ा हुआ है। और जब वो तेरे साथ है तो जिएगा,
अपने बल पर जिएगा। आजकल पुलिस वालों के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। ए, कौन है तू? क्या चाहिए? गूंगा है क्या? चल फुट ले। हैं? अबे सुनाई देता है कि नहीं? अबे जाता है कि नहीं? जो आग इस सीने में है वो इस लोहे में नहीं। शमशेर कहाँ है? कौन शमशेर? यहाँ कोई शमशेर नहीं। जरूर तुम लोग उसके लिए काम करते हो। अबे जा जा रास्ता ना, काय को टाइम खोटी करता है। अबे जा ना, अबे जा। बता शमशेर कहाँ है? कसम से मैं किसी शमशेर को नहीं जानता। पकड़ लो इन सबको। जी साहब। कौन था वो? पता नहीं कौन था साहब, उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन तूफान था साहब, तूफान। बाबा आपने यहां से किसी आदमी को भागते हुए देखा है? ये वो जगह है भाई जहां आकर इंसान की सारी भाग दौड़ खत्म हो जाती है। शमशान से आगे भी कोई भाग सका है क्या? हमें एक चोर की तलाश है जो हमेशा इस रेलवे ट्रैक के पास आकर गायब हो जाता है। चोर डकैत तो नहीं भाई, हाँ एक बाप और उसका बेटा रहते हैं। कानून के साथ ज्यादा दिन आंख में चोली नहीं खेल सकता, पकड़ा तो जाएगा ही। चलो बाबा, ये पुलिस वाला तो आज एक बात कहना ही भूल गया। कौन सी बात बेटे? यही कि अगर आपको कोई चोर नजर आए तो पास के पुलिस स्टेशन में खबर जरूर करवा दीजिएगा। खबर तो मैं उसी दिन करा देता, मगर क्या करता, उस रोज तुझसे थोड़ा प्यार हो गया था और आज इतने सालों में मुझे तुझसे इतना प्यार हो गया है कि मैं एक बार अपने आप को मौत के हवाले कर सकता हूं, लेकिन तुझे कानून के हवाले नहीं। लेकिन बेटा तेरी ये भाग दौड़ कब तक चलेगी? जिस दिन मेरी तलाश खत्म हो जाएगी, जिस दिन वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आएगा, तब तक। नौकरी से निकाल देना चाहिए आप लोगों को, चलो भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। आखिर क्यों? आप जैसे ऑफिसर्स के होते हुए हम जैसे बिजनेसमैन को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमारे कंटेनर से माल उठाकर ले जाते हैं, आखिर क्यों? संपत साहब, आपके कंटेनर से माल चोरी कैसे होता है ये जानने की हमारा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है मगर कुछ हुआ तो नहीं है। किसी आदमी के सीने पर गोली दाग कर उसे मार डालें और लोगों को यह पता चल जाए कि वो गोली कहां से चली, कैसे चलाई, फिर भी उस मुर्दे में जान तो वापस नहीं आ जाएगी। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल हमारे कंपनी के रेपुटेशन का है। जिन लोगों से हमने एडवांस लिए हैं अगर उन तक माल ना पहुंचा तो क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे? I'm sorry, अपने तो समझ में नहीं आ रहा है।
कि हमारे कंटेनर से माल चोरी क्यों होता है। पता नहीं कौन है वो चोर। खुद के माल को खुद ही चोरा कर बड़ी निराली चोरी करते हैं आप। सर जवाब नहीं है आपके दिमाग का। हमारे जरिए नकली कंटेनर सरकार के गोडाउन में रखवा देते हैं और असली कंटेनर्स अपने गोडाउन में, और फिर उन खाली कंटेनर्स पर आप इंश्योरेंस वालों से रुपया भी तो कमाते हैं। वाह संपत सेठ, चोर भी आप साहूकार भी आप। कस्टम के हमारे दोस्तों, आप लोग हमारे साथ हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार हमारे साथ है। ए पारो, अरे सब्जी लाना यार। पारो रोटी लाना। अरे पारो जरा पानी में बर्फ तो डालना। पारो दो कड़क रोटी। क्यों बे छुचुंदर की औलाद, पारो को सीटी मारता है साले। सांस की नली बंद कर दूंगी। अरे मर जाऊंगा पारो। अभी कभी सीटी बचाएगा? अरे गला तो छोड़, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि खाने में फ्राई क्या है। ऐसा बोल ना, चिकन फ्राई, मटन फ्राई, तिली फ्राई, भेजा फ्राई, गुर्दा फ्राई, लेग फ्राई, मुनी फ्राई, कलेजी फ्राई, बोल फ्राई में क्या चाहिए? एक दाल फ्राई तो लाना। तेरी तो जात का फ्राई मारू। आ गई चोर मंडली। नमस्ते। नमस्कार दिखरा। क्यों बे चार्ल्स सोबराज के चचा? ए पारो मारना नहीं, देख अभी से मुझे दर्द हो रहा है। दर्द? दर्द हो रहा है? तूने मर्द नहीं देखी क्या? उसमें अमिताभ बच्चन क्या बोला? क्या बोला? मर्द को कभी दर्द नहीं होता, समझे? फिर तेरे को कैसे होएगा? हाँ क्यों भाईलोग मारा डिग्री। वाह वाह वाह। क्यों बे अली बाबा 40 चोर की औलाद? ए 40 की नहीं, 40 की नहीं, सिर्फ एक चोर की औलाद हूँ मैं। दरअसल क्या हुआ था कि मुझे एक चोर ने अस्पताल से चुरा लिया था। तो क्या है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम तो फिर चोरी का माल है ना। लेकिन क्या है कि होश में आते ही हम उसका पूरा घर चुरा के भाग गए। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। तू चम्मच रख, चम्मच रख। हाथ ग्लास निकाल, ग्लास निकाल। अरे यार तू ढाबे वाली है कि सीआईडी वाली है? तेरी तो। मार नहीं, ये ले ग्लास, ग्लास, ग्लास। क्या है देख, हम तो वैसे ही सिंगल पसली के आदमी हैं, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। पड़ जाएंगे कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद हम तो तुझे दुआएं देंगे कि तेरा ये ढाबा ग्राहकों से भरा रहे, है तेरा घर बार मिर्ची और सालन की तरह हरा रहे। और विष्णु, विष्णु, विष्णु और तेरी जोड़ी हमेशा बनी रहे। विष्णु और मेरी जोड़ी? हाँ, हमने तो हमेशा से प्रार्थना की है कि तुम दोनों की शादी हो, बच्चे हो, इतने बच्चे हो, इतने बच्चे हो कि बस्ती में हर जगह तुम्हारे ही बच्चे दिखे। छोटे छोटे, प्यारे प्यारे, नन्हे मुन्ने, तोती पोपा, मैं, प्यारे प्यारे बच्चे। अगल में बच्चा, बगल में बच्चा, ऊपर बच्चा, नीचे बच्चा, गोले की गाड़ी पे तेरा बच्चा, पान की दुकान पे तेरा बच्चा, आटे की चक्की पे तेरा बच्चा, नान की दुकान पे तेरा बच्चा, हजाम की दुकान पे तेरा बच्चा। कहने का मतलब है हर जगह तेरा ही बच्चा। इतने बच्चे? हाँ, तेरे बाल। बच्चों की दुआएं करते करते गला ही सूख गया, जरा थोड़ा पानी। अरे पानी क्या, तू शरबत पी, शरबत। अरे कितनी अच्छी है तू, प्याली प्याली, मीठी मीठी। अले ले ले ले, अले ले ले, अले ले ले। पर विष्णु और मेरी जोड़ी की दुआ कर। हाँ जय विष्णु। हाँ देखा, हमने विष्णु का नाम लिया और विष्णु ने तुझे याद किया। अरे हाँ रे, हिचकी आ गई यार। लगता है विष्णु तुझे बहुत जोर से याद कर रहा है, इसीलिए हिचकी पर हिचकी चली आ रही है। डकार ले, डकार ले, डकार ले।
फुलझड़ी, चल जल्दी से बिल्ला का हफ्ता निकाल। अरे बिल्ला, हाँ? तू जेल से छुटकर आ गया? अरे हफ्ता निकाल, हफ्ता। हफ्ता मांगता है? हाँ। हाथ निकाल। ये मेरी जान। अभी हाँ? तेरी तो मर गया, मर जा साले बीड़ी छाप गटर की औलाद, हराम का खाने को आ गया। तेरी तो जात का सड़ेला फालूदा मारू। मरो मत, मरो मत, मरो मत। अब जा, जाकर बस में बिना का गीत माला गा। साला बहुत गर्म हो रहा था, हो गया ना ठंडा। देख पारो, तुझे ये लफड़ा बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ। वाह पारो, क्या हफ्ता दिया तूने भी। हाँ। हफ्ता क्या, महीने भर की छुट्टी कर दी पारो ने। साला हफ्ता मांगने आया था, बिल्ला का हफ्ता। चल 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 सियाने, लकड़ी लगा। तू आ गई? आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मेथी की भाजी, पालक का साग, मकई की रोटी, नींबू चटनी अचार और आपकी पसंद का मुरब्बा। अच्छा बाबा, अच्छा। लेकिन बेटी, तू ये रोज रोज की तकलीफ क्यों उठाती है? अरे बाबा, मैं तो ये तकलीफ जिंदगी भर उठाने को तैयार हूँ। आपके कपड़े धोने को, आपका खाना पकाने को, आपकी सेवा करने को, मगर विष्णु मुझे मौका दे तब ना। वो तो कुछ समझता ही नहीं है। बाबा,
आप उसे समझाइए ना। हाँ बेटी, मैं तो समझाता हूँ उसे कि अगर तुझ जैसी बेटी इस घर की बहू बन जाए तो इस घर को स्वर्ग बना दो स्वर्ग। उस साले को तो माफी माफी माफी, ये धंधे की भाषा कैसे बोल गई। उसे कहिए एक मौका तो दे। उसे एक ना एक मौका तो जरूर देना चाहिए, लेकिन जब भी मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ तो विष्णु शर्मा जाता होगा मेरी तरह। अरे बाबा खाना खाइए, वरना ठंडा हो जाएगा। बेटी तू जा, मैं खा लूंगा। नहीं बाबा, मैं आई हूँ तो मैं खिलाकर ही जाऊंगी। बेटी तू घर जा। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अगर आपकी बेटी होती तो क्या वो आपको नहीं खिलाती? खिलाती। अरे थाली, दुनिया इतनी फास्ट स्पीड से चल रही है कि किसी को किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है, और मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं है। मुझे तो अपने और विष्णु के बारे में बहुत कुछ सोचना है। तू? हाँ मैं। ये दाग तो मिट जाएगा पारो, मगर आज जो दाग मैं तुम्हारी जवानी पर लगाऊंगा वो कभी नहीं मिटेगा। तेरी तो क्यों पहलवान, मार खाने की आदत गई नहीं तेरी? जा, मैं इन तीनों को इनके तबेले पहुंचा कर आता हूं। मैं इन्हें यहां लेकर नहीं आता, मारकर वहीं रेल की पटरी के पास फेंक देता, मगर सोचा गुंडागर्दी के इन खोटे सिक्कों को चलाने वाले उस असली सिक्के का चेहरा तो देखूं। तुम्हारी हिम्मत देखकर हम बहुत खुश हुआ, मगर जुर्म की दुनिया में चलने वाला बहुत कीमती सिक्का है। तुम आखिरी सिक्का हो या तुम्हारे ऊपर भी कोई और सिक्का है? अयो, हमारे काले बाजार में सिक्के के ऊपर सिक्का, समझा? हो सकता है इन्हीं चेहरों में वो चेहरा छुपा हो जिसकी मुझे तलाश है। ए मिस्टर, हमारे पास ऐसा ऐसा सिक्का है जिसकी चमक देखकर तुम्हारी आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। रोशनी क्या, मैं तो किस्सा ही खत्म कर डालूंगा। तू हमारे साथ मजाक करता है क्या? अरे जिंदगी हमारे साथ मजाक करती है और हम जिंदगी के साथ। अरे हमारे साथ काम करेगा? अरे माल के लिए हम कुछ भी करेगा, और तुम्हारे साथ तो जरूर करेगा। तुम बहुत इंटरेस्टिंग आदमी लगता है। दारू पिएगा? ये टाइम पीने का नहीं, काम करने का है। बोलो माल कितना मिलेगा? माल 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 2%। 2%? अरे टके वके का काम 2% के आदमी करते हैं? हम तो हाई क्लास का आदमी है। तुम्हारा क्लास कितना मांगता है? तुम्हारा 49%, हमारा 51%। ओके, डन। दाम तुम्हारा, काम हमारा। है? तुम तो बहुत जल्दी मान गया। इसका मतलब काम बहुत डेंजरस जी। हमारा कुछ सोना लूट लिया है किसी ने, और जिस जगह लूटा है वो जगह है वर्सोवा, मछली मार। हमारा 7 आदमी उधर गया,
लेकिन सातो खलास। आपका सोना आप तक पहुंच जाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? यस। वर्सोवा पुलिस स्टेशन। सात खून करके फरार मुजरिम राघवन को पकड़ना हो तो 10 मिनट में वर्सोवा मछली मार पहुंच जाओ। में से राघवन कौन है? क्यों राघवन से अपनी मौत का पता पूछना है? नहीं, सदा शेठी के सोने का पता पूछना है। ओ, तो कटने के लिए सदा शेठी ने 8वां सर 13 भेजा है। सोना कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बताता हूं। सोना माहिम के पुराने किले में है। गिल्लो विष्णु। विष्णु आदमी की बात से उसकी औकात का पता लगाता है और नोटों के वजन से रकम का। आई लाइक इट। आज तुमने हमारा इतना बड़ा काम किया विष्णु कि आज का तुम्हारा शाम ये सदा। नहीं 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 शेठी, विष्णु की शाम सिर्फ उन लोगों के नाम है जो अमीरों की दुनिया में बिल्कुल गुमनाम है और उनके होठों पर सिर्फ विष्णु का नाम है। सलाम सेठ। ढाबा बंद करो जी। एए, एरिया में नया आया है क्या? आई एरिया में क्या, हम दुनिया में नया आया जी। हम एकदम खोला, उम्र मेरा 16, पन तोप का गोला, आगे बोला। एए, डंडा संभाल, किधर पारो ने तंदूर का सरिया घसीट लिया तो। आई पहले ढाबा बंद करो जी, फिर सरिया उठाओ जी। जब तक मेरा विष्णु आएगा नहीं, रोटी खाएगा नहीं, ये ढाबा बंद होने वाला नहीं। आई या विष्णु कौन जी? क्यों, मेरा नाम भी विष्णु जी। विष्णु सुब्रमण्यम फ्रॉम काली कट्टम डिस्ट्रिक्ट पोरी पट्टम तालुका गोरी घट्टम इंस्पेक्टर विष्णु सुब्रमण्यम। साला, वर्टी पहनकर चांस मारने को देखता है, ऐसा छापा लगाऊंगी इधर आना जाना भूल जाएगा। हाँ, हम खाना भूल सकता, हम गाना भूल सकता, लेकिन इधर आना जाना नहीं भूल सकता जी। तुम हमारे पास आना जी। हा? पुराना विष्णु को भूल जाना जी, इस नए विष्णु को गले लगाना जी। तेरी तो आयो, हमारा बॉडी देखो जी, हमारा मटन देखो जी, हमारा मूवमेंट देखो जी, हमारा धड़कन सुनो जी, हमारा आँख देखो जी।
हमारा देखो जी, हमारा मुच्छी देखो जी, हमको पप्पी दे दो जी, पप्पी तेरी पप्पी, मुझ पप्पी। की तो अरे विष्णु तू अयो विष्णु सुब्रमण्यम एक पप्पी के वास्ते इतना ड्रामा जिए। मैं तो मस्ती कर रहा था पारो, मस्ती जिए अयो। बहुत ताकतवर आदमी है सर, बहुत ताकतवर, बहुत से आंख में चौनी खेलता है सर। और देखिए सर, इधर हमारी ताकत बढ़ी और उधर पुलिस वालों की। सर मैंने सुना है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ बदली होने वाली है। सदा शेट्टी, बदली होने वाली नहीं, हो चुकी। ये रही उनकी लिस्ट। इस लिस्ट में सारे ऐसे आदमियों के नाम हैं जो हमारी पूजा करते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो हमारे आंखों को खटकता है, इंस्पेक्टर देवा। दिल तेरा हम तेरे है दीवाने, तेरे दिल में है क्या वो रब जाने। दिल तेरा हम तेरे है दीवाने, तेरे दिल में है क्या वो रब जाने। दिल तेरा हम तेरे है दीवाने, तेरे दिल में है क्या वो रब जाने। दिल तेरा हम तेरे है दीवाने, तेरे दिल में है क्या वो रब जाने। रेशमी दुपट्टे में छुपा ले, मेरी हो जा मुझे मुझसे चुरा ले। मुझे रेशमी दुपट्टे में छुपा ले, मेरी हो जा मुझे मुझसे चुरा ले।
रस्म रिवाज के बंधन ये तोड़ दूं, तू मेरा साथ दे तो दुनिया भी छोड़ दूं। लग लग जाए जाए न लगाए, न छुपाए छुपे दिल की सच्चाई। लग लग जाए जाए न लगाए, न छुपाए छुपे दिल की सच्चाई। तेरा हम तेरे हैं दीवाने, तेरे दिल में है क्या वो रब जाने। दिल तेरा हम तेरे हैं दीवाने, तेरे दिल में है क्या वो रब जाने। चलो उतरो। इतनी जल्दी? तो क्या सारी जिंदगी बैठे रहोगे? देखो, तुमने लिफ्ट मांगी, हमने दे दी, अब चलिए उतरिए। देखिए, हमने लिफ्ट के साथ साथ आपसे एक चीज और भी मांगी थी। वो क्या? वही जिसे आप हमेशा देने से इनकार करती हैं। वो तो मैं नहीं दूंगी, मगर आज तो मैं वो लेकर ही जाऊंगा। कह दिया ना, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। कमाल है, दो सेकंड की तो बात है, प्लीज। ओके, पहले तुम आंखें बंद करो। ठीक है। अबे आग बढ़ाना। बढ़ा रहा हूँ यार। ओ लाला, दो केन ले आना। निकल रहा है। अरे फर्स्ट क्लास। बाटली गिन के रख, बाटली गिन के रख। अरे 20 बाटली तो चला रहे। अरे केन रख उधर। अरे इधर ध्यान से रख। ओए कौन है तू? देवा नाम है मेरा, इंस्पेक्टर देवा। ओह, इस इलाके में नया नया आया, रिश्वत नहीं लेता, चेतावनी देता हूं, सो दे रहा हूं। वो क्या है कि मेरा रिकॉर्ड है ना, बहुत खराब है। जब भी मैं किसी मुजरिम को मारता हूं ना, तो उसकी 365 हड्डियों में से 61-62 हड्डियों का ठेलकम पाउडर बन जाता है। और फिर वो मुजरिम कानून तोड़ने के बजाय अपनी हड्डियां जोड़ने में लग जाते हैं। वैसे ये कार्यक्रम तो मैं अभी भी शुरू कर सकता हूं, अगर नहीं वो बात यह है कि अभी तक मैंने इस इलाके का चार्ज नहीं लिया है। कल 8 बजे मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं, इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, कल 8 बजे तक ये जो धंधे आप कर रहे हैं उन्हें बंद कर दीजिए। आ गई बात समझ में, कौन हूं मैं? ओ छोरे, तूने अपना नाम तो बता दिया, अब मेरा नाम सुना है? हाँ, देखिए भाई साहब, अगर आपने मेरा कहना मान लिया तब तो आपकी हमारी दोस्ती हो जाएगी, और एक बार हमारी दोस्ती हो गई तो आपका नाम मेरी जबान पर और मेरा नाम आपकी जबान पर, और अगर दुश्मनी रही तब तो आपको मार मार कर आपका नाम रजिस्टर में लिखना ही पड़ेगा ना। को का नाम है मेरा अंग्रेजी दा गो, याने की जा। अजीब बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर आकर चले गए, और गादा मतलब है गा। क्या गा? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। खामोश। कोगा, तेरी अंतिम यात्रा के श्लोक का सुर बहुत अच्छा है, याद रखना, कल 8 बजे तक ये सारे धंधे बंद कर देना, वरना तेरे सीने से सांस का चलना बंद कर दूंगा। आ,
साला उल्लूदा पट्टा अपना रिकॉर्ड को गानू सुना रहा था। रजिस्टर में जाके मेरा रिकॉर्ड देखा होगा तो कटमल की तरह किसी चारपाई में जाके छुप गया होगा, वो नहीं आएगा। ओए तुसी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती? ओए तुसी बड़े सोने लग रहे हो यूनिफॉर्म में। मुबारक मुबारक मुबारक। ए हमारी तरफ से तोहफा, ये रिश्वत नहीं है, ए गोगा की भाषा में इसको हफ्ता कहते हैं। ले ले। ओए ले 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 ले। धुआंधार मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है लाला हवलदार? मेरे को लगता है अपना इंस्पेक्टर उन सबको क्लीन बोल्ड करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बहुत से इंस्पेक्टर टांगों पर आए और कंधों पर चले गए। भाई और बहनों देखिए, पहले ड्रम आएगा, फिर इंस्पेक्टर आएगा, फिर एम्बुलेंस आएगा। बग बग, इंस्पेक्टर आला बग। मैं तो बोलता था ये मारेगा, मेरे को मस्ती करने की आदत, तू समझता क्यों नहीं है? मार। देख 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 देख, मैं बोलता था ना अपना नया साहब सबसे कभी बड़ा चलेगा। क्या दम है, मैं कब से बोल रहा था, मेरे को सुनता ही नहीं है। क्या दम है, क्या सुनर है आप? शराब। वाह कुछ बात है, साहब को मानना पड़ेगा। चल चल अंदर सरक रे, चल बदलू। वाह साहब वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। कौन हो तुम? पारो ढाबे वाली। अपने अंदर बहुत जोश है साहब, इसलिए जब भी कोई जोशीला आदमी देखती हूँ ना तो मेरा खून भी जोश मारता है, मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। आओ साहब कुछ ठंडा गरम चाय कॉफी। नहीं थैंक यू। अरे साहब बस्ती में आए हो तो पारो के ढाबे की चाय पीने ही पड़ेगी, नहीं तो पारो की इंसल्ट हो जाएगी। और पारो की इंसल्ट का मतलब सारी बस्ती की इंसल्ट। आपकी तारीफ। अपना बिड़ू है साहब, अपना विष्णु। चलिए साहब आज हमारी पारो के ढाबे की चाय हो ही जाए। मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे हम तो कानून और कानून वालों के चाहने वाले हैं, इंसाफ के लिए जान लुटाने वाले, और आप भी मजलूमों के आंसू पहुंचने वाले। मतलब पेशे से आप वर्दी के और हम बिना वर्दी के, मगर हुए तो भाई भाई ना। तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। वैसे तो ढाबे की चाय भी पसंद आएगी, ये लीजिए कड़क शाही स्पेशल नंबर वन चाय। अपने ढाबे पे चाय नंबर वन, पराठा नंबर वन, सब्जी नंबर वन, रोटी नंबर वन, यानी कि पारो का ढाबा नंबर वन। देखिए ना सब, लड़का भी ढूंढा तो नंबर वन। हाँ बिल्कुल नंबर वन। वैसे पारो आ? तुम बोलती बहुत कम हो ना। वो क्या है सब की विष्णु ने ही मेरे को बोला कि ज्यादा बोलने वाला बेवकूफ होता है। हाँ। इसलिए ज्यादा क्यों बोलने का? अब आप ही बताइए साहब, जब से आप आए हैं मैं कुछ बोली? अरे कहाँ पारो बोली? लगता है मैं बोली सॉरी साहब मैं बोली। देवा। हाँ देवा, इंस्पेक्टर देवा। वैसे चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी थी। मैं चलता हूँ, गुड लक। Thank you.
सर वो बहुत डेंजर इंस्पेक्टर है जी, उसने अपने सबसे खतरनाक आदमी गोगा को बहुत पीटा, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर मोहल्ले से कुत्ता सरीका खींच के ले गया। सर आप कुछ कीजिए। हमारे जुर्म की दुनिया का सबसे जानदार शख्स है गोगा, और वो इंस्पेक्टर, उसे हम एहसास दिलाएंगे कि उसकी वर्दी की कीमत हमारे जूतों पे उड़ने वाली धूल के बराबर है। गुड मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग बिटिया। डैड ये सुबह सुबह मूड की खराबी, क्या बात है? हम दिलो दिमाग की चोट बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बिजनेस में नुकसान कभी नहीं। पैसा पैसा पैसा। बी रिलैक्स डैडी, दुनिया में सुकून शांति भी किसी चीज का नाम है, किस्मत का लिखा कोई छीन सकता है क्या? फिर ये गुस्सा कैसा? स्माइल। ठीक बोलती है तू बिटिया। बाय बाय डैड। मगर सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? आपको अपने बिजनेस में एक नया दुश्मन मिल गया, हमें एक नया दोस्त। बाय बाय डैड। बाय बाय। शेट्टी। जी सर। कमिश्नर को फोन लगाओ। जिस मुजरिम को सीबीआई वाले तक नहीं पकड़ सके उसे मैंने गिरफ्तार किया था, मैंने, और कानून ने इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया। करप्शन है अंकल, करप्शन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, और इस रिश्वतखोरी के दांत हमारे डिपार्टमेंट के शरीर के हर हिस्से में मौजूद है। तालाब अगर जुर्म के मगरमच्छ और जहरीले सांपों से भरा हो तो एक अच्छी मछली उसमें कब तक तैर सकती है बेटे? मतलब आप भी मुझे यह समझाना चाहते हैं कि फर्ज के इस चोले को रिश्वतखोरी की आग में जला डालूं? जो कसम मैंने इस वर्दी को पहनते वक्त खाई थी उस कसम का गला घोट डालूं मैं? नहीं अंकल, नहीं, देवा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने भी फर्ज की बड़ी खिदमत की है बेटे, और जो जिंदगी का आखिरी फैसला सुनाया उसने मेरी गोद में तेरे जैसा बेटा डाल दिया। मैं तुझे मुजरिमों की गोलियों से मरता हुआ नहीं देख सकता बेटे। अंकल, इन बूढ़ी आंखों ने देखा है, सब कुछ बिका हुआ है इस देश में, सब कुछ बिका हुआ है। एक एक टेबल, एक एक कुर्सी, इंसाफ के नाम पर चलने वाली कलम, यहां तक की शीशी में पड़ी हुई स्याही तक बिक चुकी है। हर छोटी कुर्सी बड़ी कुर्सी के नीचे दबी है, बड़ी कुर्सी अपने से और बड़ी कुर्सी के नीचे, हर इंसान एक दूसरे की ताकत के नीचे दबा हुआ है, सहमा हुआ है। ऐसे सहमे और कुचले लोगों के शहर में उनके बीच कहां से लेकर चलोगे कानून अपने हाथ में बेटे? मैं उन तमाम कुर्सियों को हिलाकर कानून की आग में झोंक दूंगा, क्योंकि ये वर्दी दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए बनी है, और शायद इसीलिए इसका रंग भी खाकी है। तू फिर मार खा के आ गया क्या? क्या करेगा पारो, आज मारने का भाव कमती था, मार खाने का भाव जास्ती, इसलिए बहुत मार खाया। बर्फ दे बर्फ। अरे जाड़िया, तू हमेशा पारो को बोलता है चल फाइट देखने चल, कभी बस्ती फाइट देखने आए और तूने मार खाई तो क्या इज्जत रहेगी बस्ती की? हाँ वो दिन तो मारेगा ना पारो। मारेगा? ए सियान पट्टी मत कर, नहीं तो मारूंगी। अरे पहलवान, तू जब भी मिलता है बर्फ से थोपड़ा सेकते हुए मिलता है। अरे विष्णु, जब हम दूसरे का थोपड़ा सेक कर आता है तो तुम यहाँ नहीं मिलता, अगले हफ्ते हम तुमको फाइट में बुलाएगा, फिर देखना कमाल। ठीक है, उधर बर्फ लेकर आएगा। मतलब हम मार खाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम मारेगा और हम मार खाने वाले को प्रेजेंट में बर्फ देगा। इंस्पेक्टर देवा। यस सर। गोदी के इलाके में आए दिन कंटेनर से करोड़ों रुपए का माल चोरी हो रहा है, और इसका नुकसान इंश्योरेंस कंपनी वालों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। देखो मैं ये केस तुम्हारे हवाले करता हूँ ताकि तुम। सर अब ना गोदी में चोर रहेंगे और ना ही चोरी के कारनामे। गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तुम लोग जाओ, लोग भी अपने अपने रिकॉर्ड्स में यह नंबर दर्ज कर लो। जी हाँ। It will be done. मैंने सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर लिया है, आज ही रात को माल चुपचाप बाहर निकाल दिया जाएगा।
सर मुबारक हो, हमारा 1.5 करोड़ का माल पहुंच गया है और कंटेनर्स डॉक्स पे उतर चुके हैं। व्यापारियों को खबर कर दो कि कल माल मिल जाएगा। यस सर। सर ये इस टाइम थोड़ा मुश्किल है। गोदी के लेबर ऑफिसर ने बताया है कि उधर के लेबर ने हमारे कंटेनर्स को गोडाउन से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। किसकी मजाल है कि संपत सेठ का माल रोक ले। कुछ समझ में नहीं आता सर, वो लोग तो एकदम खामोश। सदा शेट्टी, खामोशी बहुत ही खतरनाक चीज होती है। उस खामोशी को हमेशा के लिए खामोश कर दो। इस एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज कहाँ है? मुझे उनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। मुझे यहाँ के तमाम पुराने रिकॉर्ड चाहिए इसी वक्त। सर यही वो इंस्पेक्टर है जो इस एरिया में दहशत बन गया है। कौन सा खरबूजा? अरे वो अपना टकला पहलवान है ना। ओए अम्मा देख मुझे कोई फाइट वाइट नहीं देखनी। अरे भाव काई को खाता है, चल ना देख मैंने पूरी पलटन तैयार की है। चलो चलो ना विष्णु भैया। चुप, ये खरबूजा तो गया, हम लोगों को सो दिखाने को लाया, इसका ही सो खलास। अरे पारो क्या कर रही हो तुम? मार मार के से पिचका हुआ पपाया बना दे विष्णु। नहीं पारो देख मैं बना दे इसको जीरो। तू है बस्ती का हीरो, तू है बस्ती का हीरो। क्यों बच्चा लोग? ये अपन को बहुत मारा। देखते हैं अपन का पैसा। हाँ पैसा। Thank you.
कौन था वो जिसने हमें पुराने नाम से पुकारा है? कौन था वो? विष्णु, ये गोली, ये तो मेरे अंतिम युद्ध की शुरुआत है बाबा। उस दिन खंजर चले थे, आज गोलियां। अब तो सिर्फ गोलियां चलेंगी, खून बहेगा। बेटे। हाँ बाबा, जिसने मुझसे मेरी माँ की चिता को अग्नि देने का हक छीन लिया था, वो मुझे मिल गया। मेरी तलाश खत्म हो गई, वो चेहरा इन आंखों को नजर आ गया बाबा। कौन? कल का शमशेर, आज का संपत। नहीं बेटा नहीं, मैंने सुना है कि वो इस शहर में जुर्म की बहुत बड़ी ताकत का दूसरा नाम है, उससे मत खेलना, नहीं तो जल जाएगा तू। जिसने हर रोज जलती हुई चिताएं देखी हो, वो जलने से क्या डरेगा? जल तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन इसी तरह मेरी माँ की चिता जली थी। जल तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मेरे बापू का खून हुआ था। मगर बड़ी बड़ी कुर्सियां, MP, MLA, वकील, कानून सब उसके साथ है। और बचपन से पाला हुआ मेरा इंतकाम मेरे साथ है। ये तूफान तो थम गया, लेकिन मैं जानता हूं तेरे अंदर का तूफान थमने वाला नहीं। उसे बांधने के लिए तुझे ताकत की तलवार का नहीं, दिमाग की ढाल का इस्तेमाल करना होगा। उसने तुझे जिंदगी में इतने जख्म दिए हैं और तू उसे एक ही बार में खत्म कर देना चाहता? नहीं बेटा नहीं, इतने बार कर कि उसके टुकड़े गिनने वाला भी कोई ना हो।
जिस तरह दीमक बड़े से बड़े पेड़ को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और एक हल्का सा झोंका उसे जमीन में मिला देता है, तू भी वही अंजाम कर अपने दुश्मन का। तेजाब बन के फैल जाओ उसकी जड़ों में ताकि वो देखते ही देखते राख का एक ढेर बन जाए। सर, इस नए इंस्पेक्टर की आंखों में हमें अपने लिए शक के डोरे नजर आने लगे। इससे पहले कि वो शक यकीन की हथकड़ियां बनकर हमारी तरफ बढ़े, पता है हमको, इसीलिए अब की बार हमने अपने कंटेनर्स बॉम्बे की बजाय मद्रास की गोदी पर मंगवा लिए हैं। लेकिन सर, वो सोने की डिलीवरी वो भी हो जाएगी, ट्रक्स के जरिए कंटेनर्स यहां पहुंच जाएंगे। गोल मार्केट के तमाम लोगों को खबर कर दो कि सोना परसों मिल जाएगा। बोल रहा है वही जिसने तुम्हारे मद्रास से आते हुए कंटेनर को तुम्हारे स्टेशन की बजाय अपने स्टेशन पर रोक लिया। कौन सा स्टेशन? जहां से तुम्हारी बर्बादी की कहानी शुरू होती है। यह तो आंख में चोली की शुरुआत है सेठ, अभी तो इतने नुकसान सुनाने हैं कि तुझे एहसास होने लगेगा कि वाकई कोई तुझसे तेरे पुराने कर्मों का हिसाब कर रहा है। मैं पूछता हूं कौन है तुम? संपत, शेर अगर बाजू पर पंजा मार जाए तो उसकी ताकत से टकराना नहीं, घबराना चाहिए, समझे? संपत सेठ, आप यहां? मद्रास से आने वाला मेरा एक कंटेनर बीच रास्ते में चोरी हो गया है इंस्पेक्टर, उसी की रिपोर्ट दर्ज करने आया हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका चोरी किया गया माल आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। सुनो, उस कंटेनर के पास तुमने किसी को देखा? जी नहीं सर। यहाँ आसपास और कोई रहता है? रेलवे ट्रैक के उस पर एक शमशान साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। कोई है? तुम यहां? मैं यहीं रहता हूं अपने बाबा के साथ। कमाल है, कभी तुम सड़क पर मिलते हो और कभी शमशान में। साहब, अंजाम तो हर इंसान का शमशान ही है, हर इंसान यहां आकर रुक जाता है, मगर आप यहां कैसे रुक गए? रेलवे ट्रैक के उस पार रुके कंटेनर ने रोक लिया। जरूर किसी चोर की कारस्तानी लगती है साहब। उसी चोर को तो ढूंढने आया हूं। तुमने किसी को देखा है? कोई नजर तो नहीं आया। अगर नजर आ जाए तो पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दो, यही कहना चाहते हैं ना आप? हर पुलिस वाला यही कहता है, बचपन से यही सुनता आ रहा हूं। मगर ये चोर कुछ अजीब था, उसने कंटेनर तो चुरा लिया मगर ना ही उसे खोला और ना ही अंदर से कुछ चोरी की। कोई ईमानदार चोर होगा साहब। साहब, जब उसने कोई चोरी नहीं की तो वो चोर कहां का? अरे साहब, जिसका ये माल है उसे वापस कर दो, आपका भी रिकॉर्ड साफ और उस चोर का भी। अरे साहब, इन इन उंगलियों पर मत जाना, इन उंगलियों पर मत जाना। तुम्हारा ये अंदाज भी पसंद आया। संभालिए साहब अपनी कानूनी आंखों को और इस विष्णु को भी।
क्योंकि कानून की आंखों पर काली पट्टी होती है और हाथों में हथकड़ी। भाई, हथकड़ियां तो उन्हें ही लगती हैं जो इनके हकदार होते हैं। कंटेनर से सोना गायब सर। हम समझ गए, ये वही आदमी है जो हमारे ही हथियार से हमें मारना चाहता है, जो हमारे पुराने नाम को भी जानता है और हमारे नए नाम के साथ हमारी दुनिया को। हेलो, बाजार में कोई आदमी सोना कचरे के भाव बेच गया है। सर, कोई अनजान आदमी करोड़ों का सोना बाजार में कचरे के भाव बेच गया है। क्या सोने का भाव गिर गया? हेलो, यस, व्हाट? क्या? जानता हूं बाजार में सोने का भाव गिर चुका है। जिस तरह आज मैंने सोने का भाव गिराया है, कल तेरा पापी शरीर भी गिरा दूंगा। हिम्मत है तो अपना नाम बता। नाम बता अपना। तुम्हारा नाम मिटाने से पहले तुम्हें अपना नाम जरूर बताऊंगा। आखिर तू चाहता क्या है? सिर्फ तेरा नाश। आज तेरी दौलत का पहला सिफर मिटाया है, आहिस्ता आहिस्ता सारे सिफर मिटा दूंगा और फिर तुझे भी। अरे विष्णु, तू किधर है यार? मालूम है तेरे को किधर किधर ढूंढा? क्यों? आज अपने विष्णु के वास्ते एकदम शानदार जानदार स्पेशल शाही खाना बनाया है। शाही दाल, शाही पनीर, शाही बिरयानी। छोड़ना अपना ये शाही भाषण, मेरे को खाना खाने दे। मालूम है कल रात मैंने एक सपना देखा। सपना? हाँ, मैंने देखा तू मेरे सामने बैठा है और मैंने ऐसा शाही स्पेशल खाना परोसा है ना। पूरे ढाबे वाली सपने में भी दाल रोटी देखती है। चुप, तू आगे तो सुन, तेरी आंख की गोटी बाहर आ जाएगी। मुखोल, मैंने ऐसे उठाकर तुझे एक निवाला दिया। मुखोल खा। मैंने फिर निवाला तोड़ा और तुझे दिया। मुखोल खा। फिर क्या हुआ? फिर आंधी आई, बादल गरजे, चिप 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 चिप, बारिश हुई, तू भीगा, मैं भीगी, तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे, तू शर्मा गया, मैं शर्मा गई, फिर शर्मा शर्मी शर्मा शर्मी शर्मा। शर्मा जी रुक जाइए, मैं गिर जाऊंगा, यहाँ खाई है। तो गिर जा ना, सपने में भी तो गिरा था। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। कोई गड़बड़ नहीं है। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। नहीं तो शाही खाने में गड़बड़ है पारो। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। कोई गड़बड़ नहीं है। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। कोई गड़बड़ नहीं है विष्णु। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। गड़बड़ है शाही खाने में? गड़बड़ है पारो। तो मैं और लेकर आती हूँ। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। वो हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जी। क्या गड़बड़? वो हमने खाने में एक की बजाय नशे की दो दो पुड़ियां मिला दी। अबे दो की बजाय पारा नहीं मिला सकता था। नहीं। देख कितने मूड में है। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। शाही खाने में गड़बड़ है। हाँ। अबे गधे कहीं के। गड़बड़ है। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। विष्णु, गड़बड़ तो हो गई। Keep it.
यूं हथेली में चेहरा छुपा के चली, ऐसे कहा तन चुरा के मेरी सांसों में हलचल मचा के। आए बड़ी लाज आए, कैसे तुझसे निभाए मिलाऊं, क्या हाल है मेरे दिल का, तुझे मैं दर्द कैसे बताऊं। चलो गोरे चले वहां, चले वहां मैं जहां कोई नहीं देख पाए, सब तक उतरा नहीं। नशे की बच्ची अंदर क्या कर रही है, बाहर निकल। मैं नहा रही हूँ, मगर तेरे से काय की शर्म, मैं अभी आई। ए, बाहर नहीं निकलना। नहीं 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 नहीं। तुमने पुकारा और हम चले आए, जिंदगी में पहली बार फरमाइश की और पारो पूरी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कर रही है तू? अंदर चल, अंदर चल। बोल क्या बात है। मैं भूल गया। हाँ, कल रात को तूने मेरे साथ क्या किया था? अभी करके दिखाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, बोल बोल। बताओ। नहीं, बोल बोल। बताओ बताओ बोल। अरे विष्णु, बुद्धू बना दिया ना, अब बताओ कल रात मैंने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जा पारो, सांस चढ़ा हुआ, सांस चढ़ा हुआ। गड़बड़ है। गड़बड़ है विष्णु। ए विष्णु, हमारे सोने से भरे हुए कंटेनर्स लूटने के लिए अब की बार फिर वो लुटेरा आएगा, मगर वापस नहीं जाएगा। तो क्या चोर का पता चल गया सर? पता चल जाएगा सदा शेट्टी, इस बार पता चल जाएगा। तुम्हारा कंटेनर रेडी है। हाँ पसारे, तुम कंटेनर ले जा सकते हो। ओ साहब, आप आइए मेरे साथ। राम पसारे, मी पंडरपुरचा बाग मारे। राम राम पसारे। आए आपन कौन? तुम्ही पसारे, मी बाग मारे। पहचाना? ना नाय आईची आईला। आपना जिगरी दोस्त को भूल गया क्या? जिगरी दोस्त? अरे पसारे, कहाँ जाला तुला? जरा याद कर, कहाँ मिले थे अपन लोग? ओ पंडरपुरला। पंडरपुर। मी पंडरपुरचा बाग मारे, तुम्ही पंडरपुरचा पसारे। याद करा, तेरे घर के बाजू में माजा घर था। पर माजा घर समोर नदी होती। अरे नदी तो एक तरफ थी, दूसरी तरफ एक बावड़ी होती। और बावड़ी के पास एक कोली होती। हाँ,
वो खोली तो मेरी थी। तुम्ही काय सांगतो, उसमें तो भूत का साया था। और अब तक मैं उस खोली के अंदर था और वो भूत अब मेरे अंदर है। तुम्ही काय सांगतो। ओ, और भूत ने बोला कि तेरे अंगात प्रवेश करुंटा। नहीं 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 नहीं, नहीं तो पंडरपुर चा तंबाकू घेंगा। नको, प्रवेश करुंटा। घेंटा सारे। तो फिर वो कंटेनर कौन ले गया? कौन हो सकता है? जलता हुआ तीर तूने मेरे सीने पे चलाया था, वही तीर अब तेरी छाती फाड़ने के लिए निकल पड़ा है। निशाना गलत दागा है सेठ। क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे मारने की साजिश नाकामयाब हो गई। अब की बार तेरा कंटेनर मैं नहीं, कानून का रखवाला पुलिस स्टेशन ले गया है। चुप कर बे कमबख्त। आओ इंस्पेक्टर बैठो। शुक्रिया। मैं आपसे कुछ कानूनी सवाल करना चाहता हूं। कानूनी सवाल और हमसे? जी हां, इस शहर में कई व्यापारी हैं, उनमें से सिर्फ आप ही के कंटेनर्स क्यों चोरी होते हैं? यह सवाल तुम्हें हमसे नहीं, उस चोर से करना चाहिए था। इसीलिए तो यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं।
क्या मतलब? मतलब आप उस चोर को नहीं जानते। कीचड़ उछालने से पहले जरा ये भी देख लिया करो इंस्पेक्टर कि दामन किसका है। दामन तो मैं देख चुका हूं संपत, सिर्फ कालक पोतना बाकी है। देखो इंस्पेक्टर, अब तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। धमकी देना और रिश्वत लेना देवा के रिकॉर्ड में नहीं है। मैं उस मुजरिम से बात कर रहा हूं जिसने कंटेनर से गुंडों के जरिए मुझ पर गोलियां बरसाई, जो तुम्हारी कंपनी का था। गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि वो कंटेनर हमारा था ही नहीं। पहले कस्टम रिकॉर्ड्स देखो, सबूत हो तो फिर हमारे पास आना। सबूत भी है और गवाह भी। वो चार आदमी जिन्हें मैंने गिरफ्तार किया है, वो खुद उस आदमी का नाम बताएंगे और उसके चेहरे से उसका नकाब नोच कर उतार देंगे। इंस्पेक्टर, तुम मेहमान की तरह आए हो, इज्जत से लौट जाओ तो बेहतर है। ये मेहमान बहुत जल्द तुम्हें सरकारी मेहमान बना देगा संपत सेठ। सुनो बच्चे, जो उंगलियां हम पे उठती हैं, वो उंगलियां ही नहीं, उन कंधों से हाथ भी कट जाते हैं और साथ में राशन कार्ड से नाम भी। मगर जेल में मिलने वाली रोटियों के कार्ड पर बहुत जल्द तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये चारों हाथी दादे ऐसे उड़ के कब्बा उड़ा के मालूम ही नहीं पड़ा ना। पहले मालूम होता एक ही सालों की खटिया खड़ी कर देता, रीढ़ की हड्डी तोड़ के हाथ भी डालता, कोर्ट तक पहुंचा लिया था। शट अप। संपत के आदमी मौत के मुंह से जिंदगी छीन लाते हैं। अरे पहुंच डालो ये परेशानी का पसीना। गो एंजॉय योरसेल्फ, मौज करो। यस जाओ। बच्चे थे, आजाद कर दिए। पारो तू चल जल्दी से मेरे विष्णु के नाम 101 टेलीग्राम भेज दे। 101 टेलीग्राम? हाँ, पूछना मत क्यों, हर टेलीग्राम पे लिख दे आई लव यू। लेकिन विष्णु तो इधर ही रहता है। अरे पता नहीं आजकल किधर रहता है, कितना दिन हुआ पारो को मिला नहीं। अब पूछना मत क्यों, लिख दे आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू। पूछना मत क्यों, लिख दे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। विष्णु भैया तुम्हारे टेलीग्राम। मेरे टेलीग्राम? एक तो नहीं, 101। किसने भेजे? पारो ने। पूछना नहीं क्यों, हर टेलीग्राम में लिखा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
गाड़ी आहिस्ता चलाओ ड्राइवर। ये तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे संगीता, तुम ये क्या मजाक है? देखिए डैडी, पिछले कई हफ्तों से आपसे वक्त मांग रही हूँ और आप है कि बिजी बिजी वेरी बिजी, इसलिए सोचा इतने बड़े बिजनेसमैन से अपॉइंटमेंट लेने का एक ही तरीका है, किडनैपिंग। बेटी आज मैं वाकई बिजी हूँ, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स मेरे। नो डैडी, आज आपकी सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट है, सबसे कीमती सबसे अनमोल, और वो है एक डैडी की एक डैडी से। संपत साहब, आपकी बेटी हमारे घर की बहू कहलाए, मेरे बेटे के सर पर तो लगता है किस्मत का ताज रख दिया आप। अरे खान साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। तो रिश्ता मंजूर समझूं? रिश्ता तो समझे मंजूर ही है। अब हम आपसे मिल लिए, आपके घर को देख लिया, अब होने वाले हमारे दामाद को भी। ये आपके होने वाले दामाद की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर है। लो आगे आपका होने वाला दामाद।
देवा, ये है मेरे डैडी। वाह संपत साहब, जवाब नहीं है आपका। अगर मुझे पता होता कि इस छत के नीचे तुम रहते हो, तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखता मैं। डैडी, ये क्या हो गया आपको? बात बिल्कुल साफ हो गई आज। तुम मेरी बेटी से नहीं, मेरी दौलत से प्यार करते हो। आप इस वक्त मेरे घर में एक मेहमान बनकर आए हैं, वरना सच्चाई हमेशा नश्तर बनकर दिल में चुभती है। बच्चे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा हुआ वक्त से पहले ही कहानी का पता चल गया। कैसी कहानी? मेरी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं हो सकती। चलो बेटी। मगर डैडी हुआ क्या? चलो, मेरी बात तो सुनिए डैडी। जुबान बंद करो, चलो यहाँ से। ये सब क्या हो गया बेटे? कुछ नहीं, कानून से जुर्म घबरा कर भाग गया। देवा, में ऐसी कौन सी बुराई है जो आप इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं? उसका नाम मेरे साथ जोड़ने से आपके नाम को दाग लग जाएगा क्या? दाग नहीं, उबलता हुआ तेजाब है वो। डैडी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले हमेशा ऐसे महलों के ख्वाब देखते हैं। खाकी वर्दी पहनकर घूमने वाले कीमती कपड़ों की तमन्ना रखते हैं, और गरीबी की सड़क पर चलने वाले हमेशा दौलत की सड़क ढूंढते हैं। वक्त आने पर मैं ये साबित कर दूंगी कि देवा के लिए आपके सारे विचार गलत हैं। तुम्हारा डैडी इतना बेवकूफ नहीं है कि उस वक्त का इंतजार करे। क्या मतलब? भूल जाओ उस इंस्पेक्टर को। हरगिज नहीं, मैं उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। ये तुम्हारे अंधे प्यार की अंधी जिद है, मगर तुम्हारा बाप अंधा नहीं है। अब तुम्हें उसके बगैर जीना होगा, ये हमारा फैसला है। नहीं, ये मेरे डैडी का फैसला नहीं, ये एक अहंकारी घमंडी दौलत के नशे में चूर से संपत का फैसला है। इक्कीस चम्मच, 40 ग्लास, 30 देगची, एक भगोना और एक कलची, सब की तरह टिंगू बॉल नहीं दो। पारो, हमारा कोई कसूर नहीं है। रेखा हेमा की कसम, विजंती माला मधुबाला की कसम, निमी और किमी की कसम, पूनम सोनम नीलम नीलम मैया नीलम। तोते की तरह तोतो क्या कर रहा है? आज तेरी गर्दन जाने वाली है, पर की तरह मेरा सामान। अरे नोको नोको पारो, अरे दफा 300 तो लेट डेंजरस है। हवलदार, ये साला चोर की औलाद काम करता है ढाबे पे और ओवरटाइम करता है मेरे सामान पे। अरे वो ओवरटाइम इसने नहीं किया ला। तो किसने किया ला? हर माल मिलेगा 2 रुपया, अरे घाटे में बेच रहा है 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, तू भी आया 2 रुपये, हफ्ता लेगा 2 रुपया, हर माल हर माल हर माल, ये लीजिए ये लीजिए। ए औरत की तरह चलना। हाय अल्लाह, कितना अच्छा रसोई का सामान है। हाय अल्लाह, शर्म नहीं आती इनका हाथ पकड़ते हुए। देखिए, हम कुछ नहीं पकड़ रहे, हम तो सामान पकड़ा रहे। अच्छा, कितनी अच्छी थाली है। हाय अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं तुमका चांदी छल्ला, मैं भी तुझको दिल दे दूंगा इंशाल्लाह। और हाय, कितना खूबसूरत है। हवलदार साहब, आप नहीं सामान। चौथवी कसांड चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो। हाय अल्लाह, देखो फिर वही हरकत। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं। नहीं पाकीज़ा, नहीं, हम तुम्हें निकाह से पहले मरने नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों देंगे पाकीज़ा? हाँ पाकीज़ा, ये पाकीज़ा, तुम हमारी रजिया और हम तुम्हारे जिया। हाय अल्लाह, ये तुमने क्या किया? सामान दे दिया, दिल ले लिया। लिया ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? दिल ले लिया तुमने, दिल ले लिया। यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट तू बदल। अरे मर्द की आवाज। तेरी बस्ती वालों, बोलो इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। नहीं विष्णु भैया, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अरे मेरे को बोल रहे थे चौधरी का सांड हो। और ये साला छुचुंदर की औलाद मुझे पाकीजा कहकर लाइन मारा था। तेरी तो माफी, विष्णु भैया आज से वादा करते हैं कि
कभी चोरी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो दूसरे मोहल्ले में जाके करेंगे, और माल तीसरे मोहल्ले में बेचेंगे। चुप। तो आज तुम लोगों को ऐसी सजा मिलेगी। कैसी सजा? नाचने की, और वो भी इस ढाबे पर बजने वाले रेडियो के गानों पर। नहीं, नहीं। और वो भी इस रेडियो पर जो एक साथ चार स्टेशन पकड़ता है। हाँ, वहाँ पर गाने बदलेंगे और यहाँ पर तुम लोगों के डांस करने के मूवमेंट बदलने चाहिए, नहीं तो पहली गलती पर पड़ेंगे और दूसरी गलती पर। चलो चलो हो जाओ शुरू। बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये अद्भुत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, सारे बदन में जहर चढ़ गया, बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया, अरे मुझे बिच्छू लड़ गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। इंस्पेक्टर देवा सर, मुझे संपत के गोडाउन के सर्च वारंट चाहिए। प्लीज सर। संपत, आज 13 तारीख है और मैंने तेरे बिजनेस के 13वें की शुरुआत कर दी है। तेरे घर से तेरा नंबर गोडाउन की दूरी 14 मिनट में खत्म होती है, और 13 मिनट में तेरा गोडाउन खत्म हो जाएगा। बचा सकता है तो बचा ले अपने गोडाउन को। अपनी जगह से हिला तो गोली मार दी जाएगी। हवलदार, इन सब की तलाशी लो। भागो, अंदर बॉम्ब है।
दुआ दे मुझे कि आज तू मेरी वजह से गिरफ्तार होने से बच गया। अगर मैं तेरे उस कुरान को ब्लास्ट ना करता तो सबूत फांसी का फंदा बनकर तेरे गले में होता। कल 14 तारीख है, मैं 14 नंबर का गोडाउन उड़ाऊंगा, फिर 15 तारीख है और फिर 16, क्योंकि उन तारीखों के साथ तुझे तेरी बर्बादी की समाधि दिखानी है मुझे, लेकिन तुझ तक तेरी अर्थी लेकर मैं खुद आऊंगा। फिर 15 तारीख है और फिर 16, क्योंकि उन तारीखों के साथ तुझे तेरी बर्बादी की समाधि दिखानी है मुझे, लेकिन तुझ तक तेरी अर्थी लेकर मैं खुद आऊंगा। क्या सुना तुम लोगों ने? आपको जान से मार देने की धमकी दे रहा है सर। नहीं सदाशिव जी, तूने ध्यान से नहीं सुना है। अपनी मौत का ऐलान कर गया है वो। जिस जगह से वो टेलीफोन करता है उसके पास एक शमशान घाट है, उसी शमशान घाट के पास एक रेलवे ट्रैक भी है। ऐसी कोई भी जगह हो तलाश करो सदा शेट्टी। न्यूज़ सर, वो टेलीफोन बूथ भी मिल गया और शमशान घाट भी और पास से जाती हुई रेल की पटरी। पता लगा वो कौन सी गर्दन है जो इस पटरी पर कटना चाहती है। तो हर साल ये दिन कभी नहीं भूलता बेटे? अपनी माँ की श्राद्ध का दिन कोई बेटा भूल सकता है क्या? शेट्टी, इसका मतलब यह हुआ कि एक भाई कानून की गोली हमारे सीने में उतार देना चाहता है और दूसरा भाई बचपन के इंतकाम का खंजर हमारे सीने में भोंक देना चाहता है, मगर इतनी आसानी से नहीं। अब शतरंज के दोनों मोहरे हमारे हाथों में आ गई है, तुम देखते जाओ किस तरह की चाल चलते हैं हम। Cheers! हमारी आज की मीटिंग का खास मकसद है, अपनी नौकरी का जोखिम हम उठाते हैं, माल कंटेनर से निकालकर हम लाते हैं और हमें मिलता क्या है? मिलेगा क्या? किसी दिन कानून की गोली होगी हमारी छाती में या फिर फांसी का फंदा होगा हमारी गर्दन में। हमारी वजह से साला करोड़ों रुपए कमा रहा है वो। गोश्त खाकर हड्डी हमारी तरफ उछाल देता है, फोन करके बोलता है कि मैं अभी पहुंच रहा हूं मीटिंग में। साला वक्त देख रहे हैं आप, हम लोगों को कुत्ता समझता है। यस सर। डॉकयार्ड ऑफिसर्स की मीटिंग कहाँ है? 203 में सर। अरेस्ट हिम, चलो। सर,
गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हाउसकीपिंग. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग. Have a nice day, sir. Thank you. Keep this. Oh, thank you very much, sir. तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, इस मामले पे तो सोचना ही पड़ेगा. जब स्मगलिंग के इस धंधे में हम सभी हिस्सेदार हैं, तो प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए. वर्दी और फर्ज बेच बेच कर उसे रुपया कमा कर देते रहो साहब, इतना सस्ता थोड़े है ये धंधा. यू आर राइट, दिस इज अ सीरियस मैटर. हमें कुछ सोचना चाहिए. कंटेनर्स खुलवाकर सालों से उसका माल पास मैं करवा रहा हूँ, बट व्हाट्स अवर फ्यूचर एंड सिक्योरिटी? देखो भाइयों, अगर हम चारों एक हो जाएं, तभी कुछ बात बन सकती है. राइट. व्हाट डू यू से? यस. कौन हो तुम? पुलिस. बहुत टॉर्चर कर रहा है वो. अगर उन ऑफिसर्स ने अपना मुंह खोल दिया तो उसके पास उनका वीडियो कैसेट है सर. एक कैसेट इंस्पेक्टर देवा ने उन ऑफिसर्स को दिखाई है, एक हम तुम्हें दिखाते हैं. ये उन तमाम ऑफिसर्स की फैमिलीज हैं जो हमारी मुट्ठी में सांसें ले रही हैं, और इस बात का पता उन ऑफिसर्स को भी है. उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर देवा को टेलीफोन भी हमी ने किया था. अब कानून के पिंजड़े में बंद ये पंछी भाषा तो हमारी ही बोलेंगे. तो वो तुम ही हो जिसने विष्णु को पाल पोस कर बड़ा किया. हाँ साहब, लेकिन उसने कौन सा गुनाह किया? बहुत गुनाह किए हैं उसने. कानून के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है वो. एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस गुनहगार की गिरफ्तारी में तुम कानून का साथ दो. मैं नहीं जानता. क्या बोलता है साहब के सामने? क्या बोलता है? ए साहब, आपको मुझ पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं. सिर्फ हाथ उठाने का ही नहीं, तुम्हें ऊपर भेजने का अधिकार भी रखता हूं मैं. बोलो विष्णु कहां है? मुझे नहीं मालूम. इंस्पेक्टर, इसे कानूनी भाषा सिखाओ. विष्णु कहां है? मुझे नहीं मालूम. बता कहां विष्णु? है वो नाग जिसे तूने दूध पिलाकर बड़ा किया? हमारा मुजरिम है वो. बोल विष्णु कहां है?
बाबा बाबा कौन थे, कौन थे वो लोग? इंस्पेक्टर देवा। कौन हो तुम? देवा क्या किया है मेरे बेटे ने? कानून को अपने दिल की तरह संभालने वाले जस्टिस अब्दुल रहमान खान, वाह, अपने बेटे को क्या परवरिश दी है आपने, जो बेगुनाहों का खून उछालता फिरता है। तुम्हें गलत फहमी है, मेरे देवा की रगों में उस खानदान का खून है जिसने कभी बहुत जुल्म सहे थे, और जुल्म सहने वाले कभी किसी पर जुल्म नहीं कर सकते बेटे। मगर उसने मेरे बाबा पर जुल्म किया है, जख्म पहुंचा है मेरे बाबा को। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारे बाबा पर हाथ उठाने का जुर्म कभी नहीं कर सकता। यह है उसके जुर्म का सबूत। यह जरूर किसी की साजिश है। देवा तू 2 दिन हुए शहर से बाहर है। आप चाहे झूठ के जितने सहारे ले लें, मगर सबसे बड़ा सच यह है कि जहां भी वो इन आंखों को नजर आ गया, समाधि बना दूंगा। कदम इस चौखट पर क्यों रुक गए? ये तस्वीर उस बदकिस्मत मां की है जिसके बेटे की तुम समाधि बनाना चाहते हो। मतलब देवा? मेरा बेटा नहीं, इस बहन की अमानत है। भाई हम तो एक मुसाफिर हैं, सांसों के साथ इस अमानत को लिए चले जा रहे हैं। पर तुम्हारा इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है? आदिवा जिंदा है, मैं वही बदनसीब हूं जिसे आपने 14 साल की सजा सुनाई थी। तो तुम विष्णु हो? वही विष्णु जो अपनी मां से मिलने के लिए जेल से भागा था और आज तक भाग रहा है। मां तो ना मिल सकी, मगर आज मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया। खान साहब, आप देवा को ये कभी मत बताना कि मैं उसका भाई हूं। मगर क्यों? क्योंकि उसकी नजरों में मैं एक मुजरिम हूं। अपने भाई का ये रूप वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, शर्म के मारे उसका सर झुक जाएगा। मैं अपने भाई को सर उठाकर जीता हुआ देखना चाहता हूं। जब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, मैं खुद आऊंगा, उसे अपने गले से लगाकर इन हाथों को कानून की हथकड़ियां पहना दूंगा। हेलो, कौन? याद है इसी टेलीफोन पर तूने हमारा गोडाउन बचाने के लिए हमें 15 मिनट की मोहलत दी थी। आज हम तुझे अपने बाबा को बचाने के लिए सिर्फ 13 सेकंड की मोहलत देते हैं। शमशान में बारूद बिछा दिया गया है, जाओ, अगर बचा सकते हो तो बचा लो उसे। बारूद बिछाया हुआ है, भागो!
बाबा बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। विष्णु, इस दुनिया में सभी अकेले आते हैं, सभी अकेले जाते हैं। नहीं बाबा, ये तो दुनिया की। बाबा, बाबा! सिर्फ इतना बता दो कि उस आदमी का नाम क्या है। क्या नाम है उस आदमी का? विष्णु। Vishnu, you are under arrest. मेरे पास तुम्हारे गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं और तुम्हारे मुजरिम होने के गवाह भी। कौन से जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं आप हमारे विष्णु को? एक आध जुर्म हो तो गिनाओ भी, मगर यह तो जुर्म की एक अच्छी खासी किताब है। इस शहर में होने वाले हर जुर्म का हिस्सेदार है तुम्हारा ये विष्णु। गोदी के इलाके में कंटेनर्स की चोरियां करके कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा है तुम्हारा ये विष्णु। वहां काम करने वाले अफसरों के परिवारों को अगवा करने वाला गुनहगार है तुम्हारा ये विष्णु। बोलो और क्या क्या गिनाओ। सारी दफाएं खत्म हो जाएंगी मगर इसके गुनाह कभी खत्म नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी ने अपने काले कर्मों की चादर मुझ पर उछाल दी है मेरे भाई। नहीं भाई, नहीं। देवा नाम है मेरा, इंस्पेक्टर देवा, समझे? जानता हूं, ये भी जानता हूं, मगर कानून सिर्फ यही जानता है कि तुम एक मुजरिम हो। अपनी सफाई में तुम्हें जो कुछ भी झूठ या सच कहना है वो तुम अदालत में जाकर कहना है। तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा और सजा भी। यकीनन ये हथकड़ियां उन्हीं को लगती है जो इसके हकदार होते हैं। तो जाकर पहले उस मुजरिम को गिरफ्तार करो जिसने इस विष्णु को तिनकों की तरह बिखेर दिया, जिसने मेरे बाबा की हत्या की। कर सकते हो उसे गिरफ्तार? नहीं, क्योंकि तुम उस हत्यारे को नहीं जानते, सिर्फ झूठे गवाह जानते हो, मगर मैं उसे जानता हूं। कानून उस चेहरे को नहीं पहचानता, मगर मैं पहचानता हूं। मैं कानून जज्बात की आवाज नहीं सुनता, वो सिर्फ गुनाह गिनता है और गुनहगार जेल की सलाखे। मगर विष्णु जेल की सलाखे गिनने के लिए नहीं, अपने मुजरिम को उसकी आखिरी सांसें गिनवाने के लिए जी रहा है। मेरे उसूल और फर्ज तुम्हें ऐसा हरगिज करने नहीं देंगे विष्णु। हट जा इंस्पेक्टर। विष्णु रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। विष्णु, मुंबई महानगर के पुलिस ऑफिसर देवा पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इंस्पेक्टर देवा को तुरंत महात्मा गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जाती है। और अब पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। We have succeeded in first operation, लेकिन खून की कमी हमें परेशान कर रही है। इंस्पेक्टर देवा का ब्लड ग्रुप
एबी नेगेटिव है, जो बहुत कम लोगों का होता है। इंस्पेक्टर देवा को खून की जरूरत है। हमारी जनता से ये रिक्वेस्ट है कि जिस किसी का भी ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव हो, वो फौरन महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करे। कौन बोल रहा है? तेरी तरफ बढ़ता हुआ एक सलाब। कौन? विष्णु? ठीक पहचाना। अगर हमें पहचानना हो तो अस्पताल जाकर अपने भाई देवा के शरीर में लगे जख्म देखो। संपत, लक्ष्मण को घायल कर रावण भी यही समझा था कि लक्ष्मण मर गया और वो युद्ध जीत गया, मगर हार रावण की हुई थी। मैं जानता हूँ तूने हॉस्पिटल के चारों तरफ मेरी मौत का जाल बिछा रखा है, मगर अब मुझे मारने की नहीं, खुद को मुझसे बचाने के रास्ते तलाश कर। देखिए, एट द मोमेंट आई कांट टेल यू एनीथिंग। देखिए, आप कोई भी पेपर से आए हैं, हमारी भी पोजीशन। देखिए सुनिए, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। हाँ जी, यस सर जी। रिटायर्ड मेजर जैक डिसूजा, देश का एक सिपाही, अपना ब्लड देकर दूसरे सिपाही की जान बचाने आया है। माय ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव। देशपांडे? यस सर। सॉरी सर, सिक्योरिटी चेक। सॉरी टू बॉदर यू, चलिए हमारे साथ। ये लीजिए सर। देश के दुश्मन थे, मार दिए। Out of danger now. Sister? Yes, doctor. हर चार घंटे बाद ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और accordingly इंजेक्शन लगाइए। Okay, doctor. He will be all right now. ठहरो। तुम विष्णु हो ना? कौन विष्णु? मेरा नाम तो जैक डिसूजा है। फेस तो तुमने बहुत अच्छा बदला है, लेकिन अपने भाई के लिए दिल में छिपे जज्बात को कैसे बदलोगे? सर, आपका फोन। हेलो कमिश्नर, हॉस्पिटल में जो आदमी आया वो मिलिट्री का मेजर नहीं है, आपका वांटेड मुजरिम विष्णु है, जो आपको धोखा देकर अपने भाई देवा को खून देने आया है। खुद को मौत की हथेली पर रखकर देवा को खून के साथ नई जिंदगी देने वाला उसका अपना भाई विष्णु ही हो सकता है, लेकिन तुम्हारा ये रास्ता गलत है विष्णु, गलत है। रास्ता सही है या गलत ये मैं नहीं जानता,
मैं तो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। खान, खान, वो मेजर कहां गया? वो मेजर नहीं, वांटेड मुजरिम विष्णु है। कमिश्नर, ना हवाओं को रोकना इंसान के बस में है और ना तूफानों को। विष्णु भी आज एक ऐसा ही तूफान बनकर निकला है यहां से। आपने विष्णु जैसे मुजरिम को हॉस्पिटल से भगाने का जुर्म क्यों किया? क्योंकि उसने अपना खून देकर तुझे नई जिंदगी दी है। वो तेरा अपना खून है। क्या मतलब? तेरा भाई है वो। विष्णु मेरा भाई? तुम्हारे खून की गर्मी किसी लोहा पकाने वाली भट्टी से कम नहीं, मगर अपने दिमाग में भी ऐसे अंगार भरे हैं जो सामने वाले को जलाकर धुआं बना देते हैं। धुआं, धुएं और आग का खेल खत्म हो गया शमशेर। आज मेरे जुनून की इंतहा तेरी मौत पर खत्म होगी। Thank you.
शमशेर। विष्णु भैया नहीं, आपका यह अंदाज भी पसंद आया। Thank you.